Hello everyone, welcome back to perform another very interesting physics experiment. So in today's class, we are going to determine internal resistance of a primary cell by using potentiometer. पिछली वाली वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर का ही दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें हमने सीखा था हाउ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो आज की हमारा एक्सपेरिमेंट का ये हमारा सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको एक पोटेंशियोमीटर दिख रहा है, ऑक्सिलरी बैटरी, एक की रियोस्टैट, और वो है हमारा प्राइमरी सेल जिसका ईएमएफ मैंने ई मार्क कर रखा है डायग्राम में, जिसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और की लगा रखा है। जी फॉर गैल्वेनोमीटर, जे फॉर जॉकी है आपका, ये है आपका सर्किट डायग्राम, और इसी की हेल्प से हमने अपने सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना है और इस फॉर्मूले को यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को निकालेंगे। चलिए अब अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देख लेते हैं। तो ये है आपका, देखिए, पोटेंशियोमीटर जिसमें हमने 10 वायर्स लगा रखी हैं, तो इसकी जो टोटल लेंथ हो गई है वो 10 मीटर हो गई है। ये तो आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ वायर होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। ये हमारा रियोस्टैट है, फिर उसके बाद है की, वन वे की, ये हमारी ऑक्सिलरी बैटरी जिसमें मैंने दो सेल्स को सीरीज में लगा रखा है, और ये है आपका प्राइमरी सेल। इसी प्राइमरी सेल का हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर आपके पास एक और की है, ये है गैल्वेनोमीटर, ये है आपका जॉकी, और कुछ हमारी कनेक्टिंग वायर्स हैं। और सबसे पहले हम अपने प्राइमरी सर्किट को कनेक्ट करेंगे जिसमें हम ऑक्सिलरी बैटरी, की और रियोस्टैट को पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस लगाएंगे। तो चलिए पहले वो कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के एक एंड पे लगा देंगे, और फिर हम ऑक्सिलरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को की के एक एंड में लगा देंगे, और की का जो दूसरा एंड है वो हम रियोस्टैट के ऊपर वाले एंड पे लगाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, इस तरफ का हम रियोस्टैट का नीचे वाला एंड यूज़ करते हैं जो हम पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड में लगाएंगे। अब हम प्राइमरी सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो एक एंड है, उन दोनों को हम पोटेंशियोमीटर के उसी एंड पे लगाएंगे जहां पर हमारा ऑक्सिलरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था। अब हम प्राइमरी सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने एक की से लगाया है, की का जो दूसरा एंड है वो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे एंड पे लग जाएगा। अब की के जिस एंड पे हमने सेल के नेगेटिव टर्मिनल को लगाया था उसी एंड से हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को उससे कनेक्ट कर देते हैं, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है उससे हम जॉकी को कनेक्ट करेंगे, और इसी के साथ आपका ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपनी प्राइमरी सर्किट की जो की लगी हुई है उसको कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब आपका एक करंट पूरे सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गया है। पहले केस में जो हमारा प्राइमरी सेल के साथ की लगा हुआ है उसको हम ओपन ही रहने देते हैं, और फिर हम इस पोटेंशियोमीटर वायर पे नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखते रहिएगा कि अब मैंने ये देखिए जो कि कनेक्ट किया है, और आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने दोनों बार ऑपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाया, तो इसका मतलब नल पॉइंट तो आपको इस पोटेंशियोमीटर वायर पे मिलेगा ही मिलेगा। आप गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखते रहिएगा, देखिए अब डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है और अब बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर अब हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ आई है उसको ध्यान से नोट कीजिए, और वो आई थी हमारी 706 सेंटीमीटर। तो ये हमारी पहली रीडिंग आ गई जबकि ओपन है। अब हम की को क्लोज करेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे, और दोबारा सेम स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो ये देखिए मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया है रेजिस्टेंस बॉक्स में से, की को कनेक्ट भी कर दिया है, और फिर दोबारा हमने नल पॉइंट को ढूंढना है। तो ये देखिए आपका गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दे रहा है, अब राइट साइड में दे रहा है। तो चलिए फिर अब इसके नल पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने जॉकी को वायर के ऊपर जेंटली प्लेस करना है, ड्रैग नहीं करना है और ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर देना है, बड़े आराम से इसके ऊपर रखना है। और अब देखिए हमारा नल पॉइंट आने ही वाला है, और ये नल पॉइंट आ गया है, और हमारी जो रीडिंग आई है वो है 86 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग हो गया है, और अब बस इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल लूँगा, और अब मैं बाकी की दो रीडिंग्स भी ले लेता हूँ और आपको ऑब्जर्वेशन टेबल पूरी करके मिलता हूँ। तो अब हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई है देखिए कंप्लीट। तो बाकी की दो रीडिंग्स भी मैंने ले ली थी, बिल्कुल सेम स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, और उसके बाद मैंने तीनों इंटरनल रेजिस्टेंस की जो ऑब्जर्वेशन टेबल में वैल्यूज आई हैं उनका मैंने मीन निकाल लिया है, और मीन निकालने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 7.3 ओम। बच्चों ध्यान रखिएगा कि आप जब इस एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर इससे डिफरेंट भी हो सकता है,
जरूरी नहीं कि आपका भी आंसर यही आएगा। तो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट भी हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट भी पिछले एक्सपेरिमेंट्स की तरह ही समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। जय हिंद, जय भारत।